नमस्कार मु तपन मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शपथ पर किभली हेबो बिहार कैबिनेट रूपरेख क्या मिलबो सुजोग से नहीं आरंभ होई अंककसा समस्त सहयोगी दलरु संतुष्ट करिबा चली प्रयास जेतेबेले निर्वाचन आसे सेतेबेले घोषणा हुए गोटिए परे गोटिए योजना एही मागणा योजना देश पई विपद जहाँ कुने उद्वेग प्रकाश करिछंती सुप्रीम कोर्ट सरीछि चीन युद्धाभ्यास एबे हेबो कि युद्ध श्वेतपत्र जारी करी ताइवान को चेतावनी देछि बेजिंग एपटे जवाबी हमला पाई ताइपे आरंभ करी लाइव फायर ड्रिल सबड़े किछि दिनर विरती परे पुणी युक्रेन उपर आक्रमण करी रूसिया ए सब कुने आसंत आरंभ करबा हमर फोकस पॉइंट बिहार रे नुआ समीकरण नुआ सरकार नुआ कैबिनेट एवं नुआ चैलेंज नीतीश तेजस्वी सरकार गठन परे एबे कैबिनेट कुने चर्चा अगस्त 15 परे मंत्रिमंडल संप्रसारण हेबो जेडीयू मुख्यमंत्री पद हाते थिबा बेले बाचस्पति पद सहित गुरुत्वपूर्ण मंत्रालय उपरे नजर रखी आरजेडी कांग्रेस हाम एवं निर्दलीय को भी मिली पारे मंत्री पद तबे नुआ सरकार पई मुश्किल सृष्टि करी पारे आईन श्रृंखला शराबबंदी एवं बेरोजगार भली नुआ नुआ चैलेंज महागठबंधन सरकार को शासक पक्ष स्वागत करिथिबा बेले कटाक्ष करिछंती विरोधी बिहार रे नुआ सरकार पुरुणा सहयोगी कैबिनेट गठन नै भागवाळी को अंक कसा 24 रे बहुमत 25 रे नुआ बाचस्पति नुआ चैलेंज सामना करि पारिबे तो चाचा भतीजा पुणी बिहार रे महागठबंधन सरकार पुणी क्षमता रे चाचा भतीजा जोड़ी नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव को मेंटो सरकार गठन परे एबे कैबिनेट को चुड़ान्त रूप देबारे व्यस्त सीएम एवं डेपुटी अगस्त 16 तारीख रे होई पारे मंत्रिमंडल संप्रसारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा करिछंती स्वाधीनता दिवस पर गठन हेबो कैबिनेट सूत्र अनुसार नीतीश सरकार रे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को मिली पारे अपर हैंड अर्थात आरजेडी रु होई पारंती अधिक मंत्री आरजेडी को सर्वाधिक 17 मंत्री पद मिलिबा संभावना थिबा बेले जेडीयू को 13 कांग्रेस को 4 मंत्री पद मिली पारे सेहिपरि हाम पार्टी एवं निर्दलीय को गोटिए लेखाए मंत्री पद दे पारंती नीतीश सबुठ बड़ कथा हैला अर्थ राजस्व कृषि शिल्प एवं स्वास्थ्य भली बड़ मंत्रालय दाबी करि पारंती तेजस्वी बाचस्पति पद दाबी करि पारे कांग्रेस जेडीयू बीजेपी सरकार रे बीजेपी निकट रे थिला बार्गेनिंग पावर एबे महागठबंधन रे बड़ भाई पणिया देखाई पारे आरजेडी जहार संकेत गणमाध्यम जरिया रे देई सारिछि आरजेडी नीतीश भी प्रतिश्रुति देइछंती जे सबु भागवाळी को सम्मान दिया जिवो सरकार गठन परे एबे बहुमत प्रमाणर बेळ अगस्त 24 एवं 25 तारीख रे विधानसभार दुई दिनिया स्वतंत्र अधिवेशन डका जाइछि अगस्त 24 रे संख्या गरिष्ठतार प्रमाण देबे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगस्त 25 रे नुआ बाचस्पति निर्वाचन वर्तमान बाचस्पति विजय कुमार सिन्हांक विरोध रे अविश्वास प्रस्ताव आणिछंती जेडीयू आरजेडी एवं कांग्रेस समेत 7टी दल बिहार विधानसभा में अपना मत हासिल करने के लिए 24 तारीख 25 तारीख को विशेष सत्र बुलाया है। बिहार विधानसभा में ये विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। बताते चले कि 24 तारीख को बिहार विधानसभा में जो सरकार है महागठबंधन की वो अपना विश्वास मत हासिल करेगी। 25 को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बताते चले कि जो सरकार बदली है तो जाहिर सी बात है कि नए सरकार का जो है विश्वास मत हासिल करना होता है और ऐसे में जो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं वो बीजेपी से हैं, बीजेपी कोटे से हैं। विजय सिन्हा जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हैं तो इनके खिलाफ 7 दलों का अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है। क्यों दलरु किए हेबे मंत्री ताको नै जोर सोरे चली छि अंक कसा मुख्यमंत्री नीतीश का जेडीयू को मिली पारे 13 मंत्री पद कोटारे जो माने मंत्री होई पारंती सेमानक मध्यरे अछंती बिजेंद्र प्रसाद यादव विजय कुमार चौधरी उपेंद्र कुशवा संजय झा लेसी सिंह सुनील कुमार जयंतराज जमा खान एवं अशोक चौधरी आरजेडी को 17 मंत्री पद मिलिबा संभावना थिबा बेले रेस रे अछंती 22 रु अधिक आशाई सेमाने हेले तेज प्रताप कुमार सर्वजीत अखरुल इस्माल साहिन आलोक कुमार मेहता अवध बिहारी चौधरी ललित यादव अनीता देवी जितेंद्र कुमार राय अनिल साहनी चंद्रशेखर भाई बीरेंद्र भारत भूषण मंडल समीर महासेठ
बीना सिंह, राणा विजय साहू, सुरेंद्र राम, सुनील सिंह, केदार सिंह, बच्चा पांडे, राहुल तिवारी, कार्तिक सिंह एवं सौरभ कुमार। कांग्रेस को मिली पारे चार मंत्री पद। दल पक्षर आशायी अच्छा मदन मोहन झा, अजित शर्मा, शकील अहमद खान एवं राजेश कुमार राव। सेपर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हाम एवं निर्दलीय को मिली पारे गोटे लेखाए मंत्री पद। हाम्रु संतोष कुमार सुमन एवं निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह मंत्री हेबा संभावना अछि। एबे देखिबा केऊ दल को मिली पारे केऊ मंत्रालय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू जो सब विभाग आशायी रही सेगुड़ी साधारण प्रशासन, संसदीय व्यापार, शक्ति, जलसंपद, शिक्षा, ग्रामीण विकास, खाद्य जोगाण, सूचना और लोकसंपर्क, परिवहन और सामाजिक कल्याण मंत्रालय। महागठबंधन ने बड़ भागुआली दल होउछि आरजेडी। दल बहु गुरुत्वपूर्ण विभाग हातेबाकु लक्ष्य रखिछि। सेगुड़ी मध्य प्रमुख विभाग गुड़िक होउछि अर्थ, राजस्व, वाणिज्य, सहरांचल विकास, शिल्प, स्वास्थ्य, कृषि एवं प्रजुक्ति विद्या। बिहार में द्वितीय थर पर गठन होई जेडीयू आरजेडी मेंट सरकार। पुणि थर एकाठी होती चाचा भतीजा। नीतीश तेजस्वी जोड़ी रही बहु चैलेंज। राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति सुधार सबुठ बड़ चैलेंज। तथ्य कहुची गत बीजेपी जेडीयू सरकार अमल में राज्य में ल एंड अर्डर विपर्यस्त हो। द्वितीय चैलेंज बेकारी समस्या एवं पलायन। 2020 निर्वाचन प्रचार बेले 10 लाख नियुक्ति नारा देते तेजस्वी। तेणु युवपीढ़ी निजुक्ति सहित रोजगार संभावना सृष्टि करने बड़ चैलेंज। से रोजगार पर अन्य राज्य को पलाऊ गरीब लोकों काम जगैवाक पड़े। तृतीय चैलेंज शराबबंदी नीति। बिहार में नीतीश सरकार प्रचलन कर मद बंद नीति एक प्रकार फेल मारी। राज्य में मदर कलाबजारी चलता बेले विषाक्त देशी मद्य पानजनित मृत्यु संख्या बढ़िवार लगी। तेजस्वी विरोधी आसन में बसिता बेले सरकार को घेरी। हम पार्टी मुख्य जीतन मांझी पूर्व सरकार को संढुआसी आक्रमण करते वर्तमान सरकार में सामिल होती उभय तेजस्वी और मांझी। तेणु कौन नीतीश नुआ सरकार मद नीति रही नजर। नीतीश तेजस्वी सरकार को नहीं तेजुची राजनैतिक बयानबाजी। आरजेडी और जेडीयू नुआ राजनैतिक समीकरण को सठिक दर्शाई बेले कटाक्ष करिछन्ति विरोधी। ये साधारण बात नहीं है। ये आप देखिएगा पहली घटना हुई है इधर से टूट के लोग उधर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा रहे हैं, लेकिन उधर से इतनी बड़ी टूट जो है ये पहली दफा हुई है। ये देश के लिए शुभ संकेत है और हमको ऐसा लगता है कि बिहार का जो डेवलपमेंट है इससे पूरे देश में जो चिंतित लोग हैं जिस तरह का शासन जो है नरेंद्र मोदी चला रहे हैं उनको राहत मिली होगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का व्यवहार और राजनीति दोनों बदली हुई थी। उन्होंने चिराग पासवान के जरिए हमारी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया जिससे हमारा संख्या बल कम हुआ और बाद में उन्होंने उन सवालों को हवा देनी शुरू करी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिस्से नहीं थे, जैसे NRC लागू करना, जनसंख्या नियंत्रण करना, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। ये खाली एक राज्य के मुद्दे नहीं है, ये अखिल भारतीय मुद्दे हैं जिस पर देश में आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। 2010 में हम लगभग 80% सीटें जीते थे लेकिन उनको कन्फ्यूजन हो गया कि वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा। अकेले सरकार उनकी बन पाई क्योंकि वह 115 सीट जीते हुए थे और अपने सरकार के नेतृत्व में खुद चुनाव लड़ा। केवल 36 स्थानों पर उनकी जमानत जब्त हुई और दो सांसद बने। 2024 में उनका कोई सांसद ही जब लोकसभा में नहीं रहेगा तो वह किसके भरोसे कंटेंडर बनेगा। वह अच्छे से जानते हैं कि उनके इस कदम के बाद बिहार की जनता उनको एक सीट भी जीतने नहीं देगी। देखिए ये तो होना ही था और इसमें हमको नहीं लगता कि किसी को भी जो भी बिहार की राजनीति को समझता है हमको नहीं लगता कि किसी को भी इसमें आश्चर्य हुआ होगा। और भाई अगर आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देखें जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे 2020 में ठीक उसी वक्त मैंने इस बात को कहा था और निरंतरता में मैं इस बात को दोहराता आया हूं कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी NDA गठबंधन छोड़कर पुनः महागठबंधन में जाएंगे ही।
और ये बात देखिए, किसी भी नेता के भविष्य की कार्यशैली को जानना होना तो उसके इतिहास को टटोल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा भविष्य में वो क्या कदम उठाने वाला है। बिहार में महागठबंधन सरकार तो गठन हुई छि, हेले कौन हेब नुआ मेंट सरकार भविष्य केते लंबा चलिबो नीतीश तेजस्वी को मेंट सरकार रा गाड़ी। दुई वर्ष पर 2024 साधारण निर्वाचन सेतेबेले जाय एकाठी रहिबो तो महागठबंधन सरकार ना पूर्ण पाठर पुनरावृत्ति घटी अधारु गड़ी पड़िबो सरकार, एभली आशा आशंकारे अछंती बिहारवासी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट नोडिया।